हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत, लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और काफी खास गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है बीएसपी एचसीएल वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से, मतलब बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ऑफ बिहार के अंदर आता है, जिसके अंदर वेरियस क्लरिकल और नॉन क्लरिकल पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है, जिसमें कोरेस्पोंडेंस क्लर्क की पोस्ट है, स्टोर असिस्टेंट, जूनियर अकाउंट्स क्लर्क की पोस्ट है, टेक्निकल ग्रेड सेकंड की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। खास बात यह है कि ऑल इंडिया से कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और सभी पोस्ट का सिलेक्शन प्रोसीजर केवल एक सिंगल स्टेज के ऊपर टिका हुआ है, मतलब एक सिंगल एग्जाम के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिल जाएगा। इसमें कोई भी सेकेंडरी स्टेज या फिर प्री मेंस एग्जाम, कोई इंटरव्यू, कोई स्किल टेस्ट नहीं है। और सबसे खास बात यह है कि सभी पोस्ट का जो एग्जाम पैटर्न और सिलेबस है ना, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, एकदम छुटकू सा सिलेबस है, बहुत ही इजीली आप अच्छे से कवर कर लोगे। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। तो आज इस वीडियो में इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड करूंगा, पोस्ट और वैकेंसी के बारे में तो बात करेंगे, साथ ही इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा, पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे, किस पोस्ट के लिए एजमिट एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को डिस्कस करेंगे, सिलेक्शन होने के बाद किस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इनहैंड सैलरी क्या मिलेगी, एग्जाम सेंटर्स, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो यार वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो को शुरू कर लेते हैं। बट उससे पहले आपको एक छोटी मगर मोटी इंफॉर्मेशन दे दूं, दोस्तों एक डेट और टाइम नोट कर लीजिए, 7 जुलाई शाम 5 बजे संडे के दिन इसी चैनल के ऊपर लास्ट 6 मंथ्स की करंट अफेयर की एक सुपर फास्ट मैराथन हम कंडक्ट करने जा रहे हैं, जिसमें जनवरी 2024 से लेकर के जून 2024 तक के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट एकदम फिल्टर्ड सिलेक्टेड करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं, जो कि हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। तो भाई 7 जुलाई शाम 5 बजे इसी चैनल के ऊपर मिल जाएगी आपको करंट अफेयर्स की सुपर फास्ट मैराथन। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते अपनी वैकेंसी की तरफ। जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बता दिया, ये वैकेंसी निकल के आ रही है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग्स कंपनी लिमिटेड के अंदर, जो कि गवर्नमेंट ऑफ बिहार के अंदर ही आती है, जिसके अंदर वेरियस पोस्ट को कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2610 निकल चुकी है, जिसमें से एक पोस्ट हमारी कोरेस्पोंडेंस क्लर्क, टोटल वैकेंसी 150 है, दूसरी बेस्ट पोस्ट है स्टोर असिस्टेंट, टोटल पोस्ट 80 है, तीसरी बेस्ट पोस्ट है जूनियर अकाउंट्स क्लर्क, टोटल वैकेंसी 300 है, और चौथी बेस्ट पोस्ट है टेक्निकल ग्रेड थर्ड की, टोटल वैकेंसी 2000 आपकी निकल चुकी है। देखिए दोस्तों, ये वैकेंसी आपकी अप्रैल मंथ में निकली थी, लेकिन दोस्तों इस वैकेंसी के लिए फॉर्म दोबारा से भरे जा रहे हैं, फॉर्म रीओपन हुए हैं, अब जो फॉर्म स्टार्ट हुए हैं ना इसके लिए दोबारा से, वो 20 जून 2024 से स्टार्ट हुए हैं, फॉर्म की जो आखिरी तारीख है वो 19 जुलाई 2024 रखी गई है, एग्जाम आपका टेंटेटिवली सितंबर 2024 के आसपास कंडक्ट करा लिया जाएगा, एग्जाम आपका ऑनलाइन ही कंडक्ट कराया जाएगा। फिर से बता रहा हूं, ऑल इंडिया से कैंडिडेट्स एलिजिबल है, मतलब अदर स्टेट के कैंडिडेट भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करते हैं, क्यों आप खामखा पूरी वीडियो को देखो, अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको यहीं पर पता चल जाएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एज लिमिट के बारे में, जितने भी हमारी क्लरिकल पोस्ट है, जैसे कोरेस्पोंडेंस क्लर्क की पोस्ट हो, स्टोर असिस्टेंट या फिर जूनियर अकाउंट्स क्लर्क, इन तीनों पोस्ट के लिए एज लिमिट जनरल वालों के लिए मिनिमम 21 साल है, मैक्सिमम 37 साल है, जो आपकी एज कैलकुलेट होगी 31 मार्च 2024 तक होगी। जो हमारी टेक्निकल ग्रेड थर्ड की पोस्ट है, इस पोस्ट के लिए जनरल वालों के लिए एज लिमिट 18 से 37 साल रखी गई है, बाकी जितनी भी रिजर्व्ड कैटेगरी है, चाहे आपकी एसटी एससी कैटेगरी हो, फीमेल्स हो, बीसी या फिर आपकी ईबीसी कैटेगरी हो, इनके लिए एज में रिलैक्सेशन है, क्लियर है। बाकी जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स होंगे ना, वो जनरल कैटेगरी में ही काउंट होने वाले हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। फाइनली बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। देखिए दोस्तों, जो हमारी क्लरिकल पोस्ट है, जैसे कि कोरेस्पोंडेंस क्लर्क हो गया, स्टोर असिस्टेंट हो गया, इन दोनों पोस्ट के लिए अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, आप एक ग्रेजुएट हो, तो भाई आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर जूनियर अकाउंट्स क्लर्क की पोस्ट के लिए भी बैचलर डिग्री मांगा गया है, लेकिन अगर आपने बैचलर डिग्री पास कर रखी है कोई भी कॉमर्स से, बीकॉम वगैरह अगर आपने कर रखी है, तो भाई आप जूनियर अकाउंट्स क्लर्क की पोस्ट के लिए भी एलिजिबल है। वहीं पर बात करते हैं चौथी पोस्ट के बारे में, जो कि हमारी टेक्निकल ग्रेड थर्ड की पोस्ट है। इस पोस्ट के लिए अगर आपने 10th पास कर रखा है, साथ ही 2 साल का आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, तो भाई आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एक्सपीरियंस, कोई भी अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट नहीं चाहिए किसी भी पोस्ट के लिए, क्लियर है, समझ गए।
फाइनली बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, जो कि बहुत ही शॉर्ट है। केवल एक सिंगल ऑनलाइन एग्जाम के बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें और कोई सेकंड स्टेज नहीं है, कोई स्किल टेस्ट नहीं है, कोई मेंस एग्जाम नहीं है, ना ही आपका इंटरव्यू वगैरह इसमें है। एग्जाम के बाद फाइनल मेरिट बनेगी और उसके बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। एग्जाम होगा और केवल आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। तो चलिए भाई पोस्ट वाइज एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को अच्छे से समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, जो आपकी कोरेस्पोंडेंस क्लर्क की पोस्ट है, स्टोर असिस्टेंट की पोस्ट है, इन दोनों पोस्ट का सिलेक्शन प्रोसीजर कॉमन चलेगा, यानी कि दोनों पोस्ट का एग्जाम एक साथ ही कंडक्ट कराया जाएगा, बस मेरिट आपकी पोस्ट वाइज अलग अलग बनने वाली है। क्लियर है? तो दोनों पोस्ट का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस बिल्कुल सेम है, तो अच्छे से समझ लीजिए। आपके एग्जाम में टोटल 6 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, जिसमें से एक जनरल नॉलेज रहेगा, केवल 10th लेवल का रहेगा। कौन कौन से टॉपिक्स होंगे जनरल नॉलेज के अंदर, वही आपका करंट अफेयर, नेशनल इंटरनेशनल, इंडियन हिस्ट्री ज्योग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और टेक साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साथ ही आपका इसमें लॉजिकल रीजनिंग रहने वाला है, सिलेक्टेड टॉपिक है बहुत ही ज्यादा, एनालॉजी, सिमिलरिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, स्पेस विजुअलाइजेशन, साथ ही अर्थमेटिकल नंबर्स इज अर्थमेटिकल रीजनिंग। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा 10th लेवल का, बिल्कुल बेसिक सा, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज और प्रॉब्लम ऑन एज। ठीक है, साथ ही आपका जनरल इंग्लिश और कॉम्प्रीहेंशन रहेगा 10th लेवल का, सिनोनियम, एंटोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एरर डिटेक्शन, इडियम फेज और पैसेज कॉम्प्रीहेंशन, कितना इजी। साथ ही आपका जनरल हिंदी रहेगा, वो भी 10th लेवल का, वही आपका ग्रामर, वोकैबुलरी, शब्दावली, कॉम्प्रीहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान जिसको बोलते हैं, वही एरर डिटेक्शन, एंटोनियम, सिनोनियम, फेज, ठीक है, मुहावरे जिसको बोलते हैं, इडियम फेज। साथ ही आपका बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है, जिसमें आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू, मेमोरी, हार्ड डिस्क से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। बेसिक नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस आपको आना चाहिए, इंटरनेट की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर नेटवर्क की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, और साथ ही बेसिक नॉलेज ऑफ साइबर सिक्योरिटी, जिसमें वायरस, मालवेयर होते हैं, ठीक है, इंटरनेट सिक्योरिटी, ये आपको होनी चाहिए। तो इन 6 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, सिलेबस भी मैंने आपको पूरा बोल के बता दिया है, इनसे बार क्वेश्चन नहीं बनेगा, स्क्रीन के ऊपर आपको सिलेबस दिख रहा होगा। वहीं पर अगर हम बात करें जो हमारी तीसरी पोस्ट है, कौन सी, जूनियर अकाउंट्स क्लर्क की, उसका भी सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, उसमें आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नहीं आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नहीं आएगा, बस उसकी जगह कॉमर्स वाला सब्जेक्ट जुड़ जाएगा, बाकी सब एज इट इज है, स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा। टेक्निकल ग्रेड 3rd का थोड़ा सा अलग है, इसमें आपका जनरल नॉलेज सब्जेक्ट होगा, लॉजिकल रीजनिंग होगा, सिलेबस एज इट इज वही रहेगा, जनरल हिंदी होगा, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन होगा, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर रहेगा, इसमें एक और सब्जेक्ट जुड़ जाएगा, टेक्निकल पेपर आपका इसमें होने वाला है, टेक्निकल सब्जेक्ट जुड़ जाएगा जो आपने ITI में पढ़ा होगा, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन या फिर टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन जो भी है, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का, तो ये आपका इसमें रहने वाला है, ये आपका सिलेबस है, स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा। क्लियर है? तो इतना सही सिलेबस है, बहुत बड़ी बात नहीं है। और हाँ दोस्तों, इसके एग्जाम का मॉक टेस्ट, मतलब डेमो पेपर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का, वो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा, bspcl.co.in के ऊपर मिल जाएगा। वहां से आप देख सकते हैं कि भाई पेपर का फॉर्मेट क्या रहेगा, किस टाइप के, किस लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी। देखिए दोस्तों, यहां पर एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए एक इनिशियल क्वालिफाइंग मार्किंग भी रखी गई है। एग्जाम शायद आपका 100 नंबर का हो सकता है, 100 ही क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। जनरल वालों को क्वालिफाई करने के लिए 40 मार्क्स लेकर आने होंगे। BC कैटेगरी जो है बैकवर्ड क्लास के, 36.5 मार्क्स लाने होंगे। EBC वालों को 34 नंबर लाने होंगे। ST/SC फीमेल्स को 32 नंबर लाने होंगे 100 में से क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप इतने नंबर लाते हो, मतलब आप एग्जाम को क्वालिफाई कर गए। देखिए दोस्तों, इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जिसमें आपको अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने होते हैं, जैसे कि आपकी ग्रेजुएशन का पासिंग सर्टिफिकेट हो गया, मतलब मार्कशीट वगैरह हो गई, साथ ही 12th की या फिर 10th का जो मार्कशीट होती है, जिससे आपकी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई की जाती है, साथ ही अगर आपने टेक्निकल ग्रेड 3rd के अप्लाई किया है तो ITI का सर्टिफिकेट आपका लगेगा। अगर आपने को रिजर्वेशन रिलैक्सेशन लिया है तो फिर आपका डोमिसाइल लगेगा, साथ ही आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, उनको डोमिसाइल की जरूरत नहीं है, ना ही कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत है, क्योंकि आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी में काउंट होंगे। 4 पासपोर्ट साइज फोटो आपके वहां पर लगने वाले हैं। ओरिजिनल ID प्रूफ आपको चाहिए होगा। सभी डॉक्यूमेंट की एक एक सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी वहां पर आपको सबमिट करनी होती है। क्लियर है? ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, इसके लिए कोई भी नंबर नहीं दिए जाते। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल मेरिट आपकी बनने वाली है, जिसके बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा, जिस भी पोस्ट के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा। अब बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में, कि भैया किस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद सैलरी क्या मिलेगी। देखिए दोस्तों, जो हमारी कोरेस्पोंडेंस क्लर्क की पोस्ट है, स्टोर असिस्टेंट, जूनियर अकाउंट्स क्लर्क की पोस्ट है, तीनों की तीनों पोस्ट हमारी लेवल 5 की पोस्ट है, मतलब लेवल 5 की सैलरी इन तीनों पोस्ट के ऊपर आपको मिलने वाली है। ठीक है,
तो भाई इन पोस्ट के ऊपर आपकी जो इनिशियल इनहैंड सैलरी होगी जस्ट आफ्टर सिलेक्शन वो 52,000 रहेगी, यानी कि 52,000 के आसपास आपको सैलरी मिलने वाली है जस्ट आफ्टर सिलेक्शन। वहीं पर टेक्निकल ग्रेड थर्ड की पोस्ट लेवल 4 की पोस्ट है, इस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इनहैंड सैलरी आपकी 44,000 के आसपास रहने वाली है। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका एक साल का प्रोबेशन पीरियड भी है, प्रॉपर सैलरी आपको दी जाएगी 9,500 से लेकर 15,500 के आसपास ट्रेनिंग पर आपको मिलने वाला है, क्लियर है। वहीं पर अगर हम बात करें जॉब प्रोफाइल के बारे में, तीन पोस्ट हमारी क्लरिकल पोस्ट है, कोरस्पोंडेंस क्लर्क, स्टोर असिस्टेंट, जूनियर अकाउंट्स क्लर्क, यानी कि सिलेक्शन होने के बाद हमेशा आपको ऑफिस सेक्शन की जॉब करनी है, कंप्यूटर बेस्ड कंप्यूटर रिलेटेड काम करोगे, कोई भी फील्ड ड्यूटी कोई भी फिजिकल ड्यूटी नहीं है। इन पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद मस्त आप 9 to 5 की ऑफिस सेक्शन की जॉब कर रहे होंगे। टेक्निकल ग्रेड थर्ड की पोस्ट आपकी टेक्निकल पोस्ट है, यानी कि यहाँ पर आपको टेक्निकल काम करना पड़ने वाला है, क्लियर है। बात करें एग्जाम सेंटर्स की तो ऑल ओवर बिहार के अंदर एग्जाम सेंटर रहेगा, अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो फिर भी आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो बिहार के अंदर जाकर आपको एग्जाम देना पड़ेगा। जॉब लोकेशन भी आपकी हमेशा और हमेशा के लिए बिहार स्टेट के अंदर ही रहने वाली है, क्लियर है, क्योंकि डिपार्टमेंट बिहार स्टेट का है, समझ गए। फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं ऑल इंडिया से कैंडिडेट, चाहे वह भारत के किसी भी कोने से बिलोंग करते हो ना, आप एलिजिबल हो, क्लियर है। तो दोस्तों ये सारी जानकारी थी, हालांकि वैकेंसी काफी टाइम पहले आ गई थी, मैंने इसको थोड़ा सा इग्नोर कर दिया था, लेकिन फिर बहुत सारे लोगों की डिमांड्स आने लग गई, कमेंट्स आने लग गई, तो मैंने सोचा चलिए इस वैकेंसी को भी एक डिटेल वीडियो में कवर करते हैं बहुत ही अच्छे से, क्योंकि यार यूनिक तो है। तो दोस्तों इस वैकेंसी का डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन और एग्जाम का डिटेल सिलेबस आपको वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने का लिंक भी आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए यार इस वीडियो में इतना ही था, पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।